अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टी। आज हम कार्ड बनाने लगे हैं, तो पहले इसका मटेरियल देख लेते हैं। मटेरियल में सबसे पहले हमारे पास है ग्रीन कलर का हार्ड चार्ट, आप इसकी जगह कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास है व्हाइट लाइट चार्ट इसके अंदर वाले पोर्शन के लिए, और उसके अलावा मेरे पास है डिजाइनिंग सीजर, सिंपल सीजर, ग्लू, लेस। लेस आपको ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतनी सी चाहिए। उसके बाद मेरे पास है ग्लिटरी फोमिक शीट और साथ में डेकोरेशन मटेरियल। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले हम इनर पोर्शन इसका डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैंने इस पे लाइट चार्ट कट किया इसकी मेजरमेंट्स लेके यहाँ डिजाइनिंग सीजर से, और उसके बाद हमारा थीम जो सा है आज का है वो है बर्ड्स और केजेस। तो मैं पहले सबसे इसके अंदर एक केज ड्रॉ करूंगी इस फॉर्म में, जो कि खुल के फुल एक केज हो जाएगा। उसको ड्रॉ करने के बाद मैं उसे सीजर से कट करूंगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये इधर से लेकर इधर तक और इधर से लेकर इधर तक पोर्शन कट करें, ये वाला पोर्शन हमें कट नहीं करना। इसको कट करने के बाद हमें इसे इस तरह से यहाँ पेस्ट करना है। हमें इस वाले पोर्शन को पेस्ट नहीं करना और बाकी ये सारे पोर्शन को पेस्ट करना है। तो अब हम ग्लू करते हैं इसे। अब मैंने इस वाले पोर्शन को ग्लू कर लिया है, तो मैं पहले इधर वाली साइड पेस्ट करूंगी यूं इस तरह से। आप मिड का इसका ध्यान रखें ताकि ये खराब ना हो, चार्ट इक्वली लगे पेस्ट होने के बाद। उसके बाद इसे ऐसे पेस्ट कर लें आराम से। इसे पेस्ट करने के बाद इसका दूसरा पोर्शन भी पेस्ट करें। अब मैं इसको भी ग्लू कर चुकी हूं, अब मैं इसे पेस्ट करूंगी। ये कंप्लीट पेस्ट हो चुका है। अब आपको इसे बंद करना है इस तरह से। पहले इसे मिड में से उठाना है ऐसे, और उसके बाद बंद कर देना है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा। अब मैं मार्कर से इसके ऊपर एक केज ड्रॉ करूंगी। अब मैं केज कंप्लीट कर चुकी हूं। इसके बाद आपको यहां पर ये बर्ड्स पेस्ट करने हैं। ये पेस्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग सीजर से कटे हुए ये पोर्शन हैं, जो हम इनके फेसेस के आगे लगा सकते हैं। इसके बाद बाहर वाले पोर्शन पर भी पेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले लेस पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद मिड पोर्शन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्लिटर फोमिक शीट का सर्कल है, जिसके नीचे एक चार्ट पेपर का सर्कल है। इसके बाद ये थर्ड बर्ड इस पर पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे केजेस पेस्ट कर दें। ये मेरे पास कुछ केजेस हैं जिनके साथ ये यहाँ पे थ्रेड भी है, तो ये थ्रेड वाला पोर्शन हम ऊपर की तरफ पेस्ट कर देते हैं और जो बाकी हैं वो हम यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं। सो अब इनको पेस्ट करें। और उसके अलावा मेरे पास ये कुछ ये पोर्शंस हैं, आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ केजीज हम अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये डिजाइनिंग सीजर से कटा हुआ ये एक छोटा सा पीस है जिसको मैं यहां पर पेस्ट करूंगी। अब उसके बाद यहां पर ये बी हैप्पी लिखने के बाद मैं यहाँ पर कुछ ये बजिंग साउंड्स डालने वाली हूँ। उसके बाद अंदर वाले पोर्शन पे अगर आप केज को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ग्लिटर आउटलाइन कर लें, बट मैं यहाँ पर सिंपली ये बर्ड्स को डेकोरेट करने वाली हूँ। और इसी तरह हमारा ये कार्ड कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना एलिगेंट, नाइट्स और क्लासिक लग रहा है। और जब हम इसको यूं ओपन करते हैं तो ये केज बहुत ही एक अच्छी लुक देता है। आप यहाँ पे कोई भी विश लिख सकते हैं, आप ये जिसको देना चाहते हैं वो सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप चाहें तो इस तरह की और क्राफ्ट आइटम्स, वॉल हैंगिंग्स और होम डेकोर आइडियाज देखने के लिए या उनको बाय करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल क्राफ्टी पर जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा जहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बर्ड्स बहुत ही नाइस लग रहे हैं। इसी तरह के और आइडियाज देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।